हेलो स्टूडेंट्स कैसे सभी लोग आज हम हिस्ट्री का एट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट ये मैं आपको टेक्स्ट बुक से मार्किंग दूंगा इस वीडियो में इससे पहले हमने एक वीडियो किया है जहां पे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया है ये वीडियो में हम टेक्स्ट बुक से मार्किंग करने वाले हो ओके लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेलाइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज मिले और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे ओके चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ एक्सरसाइज में आप आओगे यहाँ पे पहले आपको क्या दिया गया है रूड एट दैट स्टमेंट बाई चूसिंग द अप्रोप्रेट ऑप्शन फर्स्ट में आपको डैश ऑर्गेनाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन आपका आंसर क्या रहेगा राम से मैकडोनल्ड ठीक है सेकंड क्या है खान अब्दुल गफ्फार खान एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड डैश तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे यहाँ पर आपका खुदाए खिदमतकार उसके बाद थर्ड की आपको डैश लिटदा दर्शना सत्याग्रह तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा आंसर थर्ड कह रहेगा आपका सरोजिनी नायडू फोर्थ के आपको देखो तो यहाँ पे सरुज, यहाँ पे।, पे आपको दिया गया है इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे आपका क्या रहेगा महात्मा गांधी ठीक है फोर्थ का आपका है महात्मा गांधी अभी देखो आगे आपको क्या है यहाँ पे सेकंड में आपको दिया गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन पहले क्या है Uh, पहले आपको चंद्र सिंह ठाकुर वॉज कोर्ट मार्शल्ड एंड सिविली पनिस्ड तो इसका कहां पर है पेज नंबर पर है तो चलो पेज नंबर थर्टी सिक्स पर चलते हैं तो पेज नंबर थर्टी सिक्स पर आप देखोगे तो आपका आंसर देखो राइट साइड पे जो आपका सेकंड द पेशावर सत्याग्रह उसमें है क्या रहेगा आपका अब कैसे पहला पॉइंट रहेगा ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रिली ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर उसका अगला पॉइंट रहेगा द टाउन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द इज नियरली फॉर अ वीक उसका अगला पॉइंट रहेगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर टू द दरवाल रेजिमेंट कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन दी सत्याग्राइज बट बट चंद्र सिंह ठाकुर एन ऑफिसर ऑफ गरवल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन फायर ठीक है उसके बाद आगे क्या वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवेन अर पनिशमेंट यहां पर आपका एंसर कंप्लीट हो जाएगा ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर तो इसका आंसर गवर्मेंट डिक्लेर्यर मार्शलपुरर्टी सिक्स और थर्टी सेवन पर है तो चलते है पेज नंबर थर्टी सिक्स पर तो देखो आपका आंसर स्टार्ट होगा यहां से आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे देखो यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा क्या रहेगा इन सोलापुर अ ह्यूज अजन अगले पेज पे वॉज ऑर्गेइज इन सोलापुर अगला पॉइंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव ऑर्डर ऑफ द फायरिंग ऑन प्रोसीजन बाद मेनी वॉलंटियर्स अलोंग विद शंकर डाइड इन द फायरिंग अगला एस ए रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन कोर्ट्स मुंसिपल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड द एजुटेशन वॉज सप्रेस्ड ठीक है तो, 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 तो यहाँ पे आपका टू पॉइंट टू भी हो गया अब आगे देखते हैं थर्ड में आपको क्या दिया गया है

उसका अगला पॉइंट है इट्स पार्टिसिपेशन डिलीबरेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज इंडीड मीनिंगलेस ठीक है तो यहां पे हमारा होगा टू पॉइंट थ्री भी कंप्लीट फोर्थ वाला देखते क्या है गांधी जी बिगेन फास्ट अंडर टू तो द डेथ इन टू यरवाड़ा जेल तो देखो ये आंसर आपका पेज नंबर थर्टी एट पर तो इसका अगर आप आंसर देखोगे यहां पर आपको यहां से स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे देखो यहीं पे है बाजू में आंसर है क्या रहेगा बाबा साहब अंबेडकर रिप्रेजेंटेड दलित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही डिमांडेड सेपरेट फॉर द दलित्स अगला पॉइंट है आफ्टर द सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड डिक्लेयर कम्यूनल अवार्ड उसका अगला पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट वर दलितिवे सेपरेट इलेक्टोरेट्स गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अन् टू द डेथ ऑफ द एरवाड़ा जेल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ठीक है तो यहां पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है टू पॉइंट फोर आगे देखते हैं क्या है अब थर्ड में आपको है, पहला क्या है आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के आपको आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिड गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट बिगेन टू बिगेन सत्याग्रह ऑल ओवर द कंट्री तो इसका आंसर कहां है आपका पेज नंबर थर्टी सिक्स पर है पेज नंबर थर्टी सिक्स पर आओ यहां पे देखो यहां पे इसका आंसर है आपको यहां पे अगर आप देखो क्या है सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल अगला पॉइंट इट अनजस्ट टू टैक्स ऑन एसेंशियल कमोडिटी लाइक सॉल्ट अगला पॉइंट उसके बाद रहेगा द सॉल्ट सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह वॉज सिंबॉलिक द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वॉज टू ब्रेक द ऑपरेसिव एंड अनजस्ट लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह ठीक है यहां पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? अब आगे देखते हैं क्या है आपको क्वेश्चन नंबर टू में क्या है यहां पे आपको डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विड्रो दिविल डिसोबियोबिडियंस मूवमेंट इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी एट पर तो देखो यहां पे बाजू में आपको आंसर है यह आंसर देखो आपका यहां से स्टार्ट होगा क्या रहेगा यहां पे आपको गांधी देखोग्राफ रहेगा बिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस इज होप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंडरा टेबल कॉन्फ्रेंस पहला पॉइंट अगला पॉइंट रहेगा इन द व्यू ऑफ दाई द प्राइम मिनिस्टर दिसज महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स फ्रॉम प्रीजन उसका अगला पॉइंट रहेगा दस देखो अगला पॉइंट दस अकंडसिव एडमोस्ट क्रिएटेड फॉर द कांग्रेस टू डिस्कस द इशूज फ्रीली अगला पॉइंट है महात्मा गांधी एंड एवं विच इज नॉन एज द गांधी पैक्ट अगला पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अश्योर दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी एडेड इन द प्रोपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लास्ट पॉइंट आपका रहेगा कॉन्सिक्वेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस विद्रो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक है तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया थ्री पॉइंट टू भी कंप्लीट हो गया है अभी आगे क्या है हमारा हमारा ये बचता है हमें ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया कंप्लीट करना क्या है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन ऑफ सिविल डिसोबीडियस मूवमेंट यहाँ पे हमें टाइमलाइन दी गई है और कब कौन सी घटना हुई थी वो हमें बताना है तो देखो पहला है ट्वेल्ल मार्च नाइनटीन थर्टी उसके बाद है सिक्स अप्रैल नाइनटीन थर्टी उसके बाद है ट्वेंटी थर्ड अप्रेल नाइटी थर्टी फिर फोर्थ में है फिर सिक्स में है देखो सब में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है ट्वेल्व मार्च नाइनटीन थर्टी है तो उसमें क्या लिखना है आपको उसमें आपको लिखना है गांधी जी सेट फ्रॉम सबरामती आश्रम टू दांडी ठीक थी, है उसके बाद क्या क्या अप्रैल इसमें आपको क्या लिखना गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट एक्ट ठीक है उसके बाद आपको ट्वेंटी थर्ड अप्रैल नाइनटीन थर्टी उसमें आपको क्या लिखना है उसमें आपको लिखना है खान अब्दुल गफ्फार खान स्टार्टेड द सत्याग्रह एट पेशावर ठीक है अब अगला क्या आपको फोर्थ में नाइनटीन थर्टी इसमें आप क्या लिखो गांधी जी वॉज अरेस्ट अरेस्टेड उसके बाद आपको क्या है लास्ट में देखो आपको क्या है सिक्स में नाइनटीन थर्टी इसमें आप क्या लिखो हड़ताल वॉज ऑब्जर्व इन सोलापुर ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट फॉलोइंग टाइमलाइन जो थी टाइमलाइन हमने कंप्लीट कर दिया है इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ओके okay? टेक्स्ट बुक की मार्किंग हो गई है और अगर आपको चाहिए और ईजी आंसर चाहिए मतलब कि अगर आपको थोड़ा आंसर अच्छे से चाहिए तो मैंने वो भी दिया है जहां पे मैंने टेक्स्ट बुक से मार्किंग नहीं दिया है वहां से भी आप कर सकते हो ओके okay? तो अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा नाइन्थ चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये हम करेंगे टेक्स्ट बुक की मार्किंग इसकी करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये वीडियो भी मिले और जो वीडियो अभी हमने किया है अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू